मैं लाता हूँ आपके लिए मोबाइल अनबॉक्सिंग सिर्फ यूट्यूब पर। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको ले जाऊंगा आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ वीवो V7 या वीवो कोई भी मॉडल उसके कीपैड की आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें ये बताऊंगा आप कीपैड कोई भी टाइप करते हैं ऊपर यानी कि पॉपअप शो हो रहा था वो बताऊंगा। फिर मैं आपको कीपैड की वाइब्रेशन ऑफ करने का तरीका बताऊंगा। उससे अगला फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका साउंड कैसे ऑफ कर सकते हैं, या मैं कुछ भी लफ्ज़ लिख रहा होता हूँ ऑटो ही करेक्शन हो रहे होते हैं वो ऑफ करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीवो V7 आप देख सकते हैं, लॉग ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं मैसेजिंग में चल जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ये देखें, पहले तो मेरे ऊपर पॉपअप शो हो रहा है, एच बड़ा हर चीज़ लिखा रहा है और ये ऑटो करेक्शन भी कर रहा है। पहले मैं अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं सिंपली सा कुछ भी लिखूँ यहाँ पर, ना नीचे शो हो ना ऑटो करेक्शन करे, ठीक है। मैं यहाँ पर देखें, आप 1-2 लिखा हुआ है, ए राइट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद प्रीडिक्शन है, आप इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। इसे ऑफ़ कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं मेरा पॉपअप शो हो रहा है, बरहाल ऑटो करेक्शन वाला नीचे शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार नीचे ऑटो करेक्शन वाला भी शो हो, बर ऑटो करेक्ट ना करे, मेरे लफ्ज़ है जो लिखूँ वही हो, बस शो हो उसका सही, मैंने बता दे क्या है, बर खुद ना लिख दे वो, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों मैं आपको इसमें तीन चीज़ें बताऊँगा। पहला मैं आपको बताऊँगा आप पॉपअप कैसे ऑफ कर सकते हैं ऊपर वाला, फिर मैं सेकंड बताऊँगा आप ये आप ऑटो करेक्शन हो रही है कैसे ऑफ कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा साउंड कैसे ऑफ कर सकते हैं, फिर आपको बताऊँगा वाइब्रेशन कैसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाता हूँ इसकी, आप देख सकते हैं तीन सी ये लाइनें बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में चल जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद पहले आप आ गया लॉक फील, LOOK एंड फील, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप पहले नंबर पे है प्रेस पॉपअप, आप इस पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर दीजिएगा। या मेरा पॉपअप वो वाला प्रेसिंग करा था वो ऑफ हो गया, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आता हूँ आप इसका साउंड कैसे ऑफ कर सकते हैं। साउंड ऑफ करने के लिए आपका साउंड यहाँ पर ऐसे खुला होगा या फुल होगा, आप इसे बिल्कुल ही म्यूट कर दीजिए लास्ट में लाकर, ठीक है। अब मैं सेकंड आपको बता रहा हूँ इसकी वाइब्रेशन कैसे ऑफ कर सकते हैं। ये देखें की प्रेस वाइब्रेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये देखें मेरी 10 ms वाइब्रेशन चल रही है, आप इसको बिल्कुल लास्ट में आगे ऑफ होगी। आप सिस्टम पर करके लास्ट में सिस्टम पर क्लिक नहीं करना, आपने लास्ट में आगे ऑफ कर देनी है बस, ठीक है। अब आखिरी फंक्शन में आपको बताना होगा इसके जो ऑटो ही करेक्शन कर रहा होता है उसके बारे में बताने लगा हूँ। आपने सिंपल सा प्रिडिक्शन में चल जाना, प्रिडिक्शन में जाने के बाद आपने ये सारे ऑप्शन है ये ऑन होंगे, आपने इसे ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा काम सिंपली ख़त्म हो चुका है। मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद देखें मेरा पॉपअप नहीं शो हो रहा, ऑटो करेक्शन भी नहीं कर रहा, भले नीचे मैं जो लिख रहा हूँ उसके बारे में ये शो कर रहा है कि आप ये लिख रहे हैं पर वो नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। अब मेरी वाइब्रेशन भी नहीं चल रही ना साउंड इसका चल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।